हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर ई वी स्टोर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में ये कन्वर्टेड देसी इलेक्ट्रिक साइकिल का रिव्यू लेकर के आया हूँ। ये हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि सिलीगुड़ी के बगल में रहते हैं कटिहार, उन्होंने हमारे स्टोर पे ये भेजा था और इसको नॉर्मल ये साइकिल थी तो उनका रिक्वेस्ट था कि इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना और प्रोफेशनली करना, तो इसीलिए उन्होंने हमारे स्टोर पे इसको भेजा था और ये अभी कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका पूरा डिटेल वीडियो, डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें थोड़ा मोटा स्पोक्स लगाया गया है और ये 36 वोल्ट 350 वाट का किट है, हब मोटर 36 वोल्ट 350 वाट का है ये। और इसका पीछे रिम नया लगाया गया है और ट्यूब भी नया लगाया गया है, जो वैन का ट्यूब रहती है वो लगाया गया है। और इसमें जैसा था सभी चीज़ें री इंस्टॉल किया गया है। ये स्टैंड है, यहाँ पे उनका लॉक नहीं था, नया लॉक लगाया गया है ताकि वो साइकिल को लॉक कर सके इजीली। ये मोटर का 9-पिन जूलियट कनेक्टर है, अगर टायर पंचर या चेंज करना रहेगा तो बस इसको सिंपली यहाँ से निकाल करके, यहाँ पे एरो टू एरो दिया रहता है, ये एरो टू एरो मैच करके प्लग इन प्लग आउट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोलर बॉक्स लगाया है, 36 वोल्ट 350 वाट का कंट्रोलर इसमें, और इसी के अंदर सारा वायरिंग है। ये 36 वोल्ट 12.5 AH का लिथियम आयन डिटैचेबल हैलोंग केस में बैटरी पैक है। इसको हम लोगों ने जो माउंट किया है इसके रॉड में यहाँ पे पूरी तरह से ड्रिल कर करके हम लोगों ने इसका प्लेट को बैठाया है। और ये इसका की है, यहाँ पे बैटरी लेवल इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, अभी बैटरी फुल चार्ज है। ये हैलोंग केस है, इसका एडवांटेज ये रहती है कि इसको आप साइकिल में लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक करके इसको निकाल के कहीं पे भी ऑफिस फ्लैट वगैरह में चार्ज के लिए ले जा सकते हैं। ये सीट भी नया लगाया गया है, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इस पे काम हुआ है। ये सीट नया लगाया गया है, शॉकर वाला सीट। अब आते हैं हैंडल पे। यहाँ पे लेफ्ट में जैसे कि एज यूजल ये एक्सीलेटर है और ये ऑन और ये लाइट के लिए है। अभी दिन का समय है तो ज़्यादा ये नहीं है, फिर भी आप देख पाएंगे ये लाइट है। और प्रत्येक फिटिंग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है ताकि कोई भी कंपोनेंट समय के अनुसार टूटे ना और ख़राब ना हो। ये साइकिल बहुत अच्छे से चलती है। अब हम एक बार इसका रनिंग आपको दिखाते हैं। ये और इसमें क्रूज फंक्शन भी है, ये इसका एक्सीलेटर है, ये बहुत स्पीड है। इसमें क्रूज फंक्शन हम दिखाते हैं, एक ही स्पीड में अगर आप थोड़ा देर के लिए थ्रॉटल को रखते हैं तो फिर थ्रॉटल छोड़ने के बाद वो क्रूज मोड में चली जाती है। कहने का मतलब कि आप बिना थ्रॉटल के भी, अब देखिए मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया लेकिन पहिया चल रही है, व्हील चल रहा है, ये आप देख पाएंगे। अभी थ्रॉटल मैंने नहीं दिया। इसको बंद करने के लिए या तो आप एक्सीलेटर को थोड़ा ट्विस्ट करना रहता है या तो ब्रेक को दबाना रहता है, तो ये हो जाती है। रनिंग आप देख सकते हैं। और जो लेसिंग किया है बहुत ही बढ़िया लेसिंग किया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी ये नहीं है जिसको डग कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से रनिंग है साइकिल। अभी हमने एक्सीलेटर, अब इसको बंद करने के लिए या तो आप ब्रेक दबा सकते हैं या तो धीरे से एक्सीलेटर को अब ट्विस्ट कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी, या तो आप ब्रेक को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत जन का क्वेश्चन रहता है कि इसमें तो
ब्रेक तार वाला नहीं आती, फिर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो इसका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो मोटरसाइकिल में ब्रेक का ये मिलती है, ब्रेक का जो ये मिलता है ब्रेक लाइट जलाने के लिए हीरो होंडा का, तो इसको इसके ज़रिए वो ब्रेक सेंसर में वही काम करती है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है, जिससे आप ये ब्रेक अगर लग करते हैं, ये ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये अप डाउन मोशन होती है, और जब अप हो जाती है तो ये मोटर को कट ऑफ कर देती है। ये आप देख पाएंगे, ये जैसे ही हम ब्रेक प्रेस कर रहे हैं फ्रंट का, तो ये स्प्रिंग के ज़रिए यहाँ से ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींचेगा, जिसका वजह से पावर कट ऑफ हो जाएगी, और पावर कट ऑफ रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मोटर का वाइंडिंग गर्म हो जाएगी और कुछ दिनों बाद फिर वो मोटर वाइंडिंग ख़राब हो जाती है। सामने से आपको लाइट दिखा देते हैं, हॉर्न है, काफ़ी लाउड है, और ये लाइट, ये प्रोजेक्टर लाइट में है, और यहाँ पे आपको बैटरी लेवल का इंडिकेशन भी यहाँ पे भी मिल जाएगी। यहाँ से आप बैटरी को चार्ज कर पाएंगे, और ये इसको आप बारिश में भी इजीली यूज़ कर पाएंगे, डुबा नहीं देना है, बारिश में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको स्प्लैश प्रूफ कहते हैं। तो ये साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, हम लोगों ने बहुत ही सिंपल रखा है इसको बनाते वक्त, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ करना है। अब ये आराम से, ये बैटरी अगर 3 साल बाद सिर्फ रिप्लेस करना रहेगा, किसी किसी केसेस में 4 साल से ऊपर भी चल जाती है, वो बैटरी का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहती है, बाकी सब उनका ये लॉन्ग टर्म है। और जो ये ब्रेक वाला फ्रंट का वही सिस्टम है, और बैक का भी वही सिस्टम है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको यही स्प्रिंग से, ये पीछे का है, इसको भी स्प्रिंग से हम लोगों ने वैसा ही किया है, ताकि आप जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये आप देख पाएंगे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे, जिससे मोटर बंद हो जाएगी। और ये हैलोंग केस को आप इजीली ये चाबी के ज़रिए लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, ऊपर का तरफ स्लाइड करेंगे। ये हैलोंग केस कैसे फिटिंग किया है हम ये दिखाते हैं, ये बैटरी पैक है, इसको आप ले जा करके कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नट से हम लोगों ने यहाँ पे इसको पूरी तरफ से ड्रिल कर करके नट और बोल्ट से लगा दिया, ये हमेशा फिक्स हो गई है, और बैटरी को आपको बस इसके ऊपर रख करके स्लाइड करना रहता है इस तरह से, और फिर आपको इसको लॉक कर देंगे तो फिर अब ये निकलेगी नहीं साइकिल से, और फिर ऑन अनलॉक करना रहेगा, तो इसको अनलॉक कर करके इसको बस ऊपर की तरफ स्लाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगी। अभी ये आप देखेंगे एक हाथ से कर रहे, तो इसको ऊपर की तरफ आप स्लाइड करेंगे तो ये निकल जाएगी इस ऐसे, और फिर लगाना रहेगा तो आप इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। अगर आप अगल बगल के हैं तो इस तरह से आप, उन्होंने बस द्वारा कटिहार से ये साइकिल भेजा था सिलीगुड़ी में, हमने वहाँ बस स्टैंड से लाया, फिर कन्वर्ट कर करके फिर बस के द्वारा ही उनको
ये भेज दिया जाएगा कटिहार। तो अगर आप अगल बगल के हैं तो पूरा साइकिल ही दे सकते हैं, या तो हम लोग उसे ये सामान ले सकते हैं, किट, बैटरी पैक, ये सब मिल जाएंगे, आप खुद इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन आप हमेशा थोड़ा समय लेकर के कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप बना रहे हैं तो हर एक कॉम्पोनेंट को आपको बहुत ध्यानपूर्वक काम करना रहेगा। जैसे कि बात करें सबसे मेन यहाँ पे, इसको लेसिंग करना आप अच्छे मिस्त्री से, कोई जो साइकिल लेसिंग करता है उनसे ही कराना उचित रहेगी, क्योंकि ये जो स्पोक्स हमने लगाया है ये काफ़ी मोटा स्पोक्स है और लेसिंग भी बहुत अच्छे तरीके से किया है, कोई डग नहीं है, टाल नहीं है साइकिल में। और उसके बाद जो भी कॉम्पोनेंट्स है वायरिंग बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे वायर्स में इस तरह का ये स्पाइरल कवर कहते हैं इसे, इसको लगाने से आपका वायर कटता नहीं है। कंट्रोलर बॉक्स इस्तेमाल करने से कंट्रोलर काफ़ी सेफ रहती है और पानी, धूल, मिट्टी से भी बचे रहेगी और आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी सामान अगर आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। हमारे पास किट अवेलेबल है, बैटरी अवेलेबल है, इसका चार्जर हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये इसका चार्जर है, 42 वोल्ट कट ऑफ 2 एम्पियर का है, 12 एम्पियर तक आप 2 एम्पियर का चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, स्लो चार्जिंग सही रहती है। ये इसका चार्जिंग पिन है, आप हमेशा जब भी बैटरी को, कोई भी ईवीज का बैटरी को चार्ज करते हैं तो कभी ये प्लग पहले मत लगाया कीजिएगा, हमेशा इसको पहले बैटरी को कनेक्ट किया जाता है, इस पर बैटरी को पहले कनेक्ट किया जाता है फिर तब एसी में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि चार्जर सेंस करती है वोल्टेज को पहले, आपके बैटरी को वोल्टेज को। ये चार्जर में आपको इनबिल्ट फैन मिल जाती है, ऑटो कट ऑफ फीचर्स मिल जाती है, और यहाँ पे एलईडी रहेगी, जब चार्ज होगी तो रेड रहेगी और जब फुल चार्ज हो जाएगी तो ग्रीन हो जाएगी, और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी है, कहने का मतलब कि अगर आप उल्टा भी बैटरी में लगा देते हैं प्लस माइनस तो ये चार्जर शॉर्ट नहीं होगी, बीप साउंड आएगी, उसको रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन कहते हैं। तो ये अभी साइकिल बस द्वारा कटिहार जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।